सर, मैं योगी रविंद्र कुमार मेरठ से आज हैदरनगर गांव में अपने जोगी समाज के बंधुओं के साथ में बैठा हूं। यहां पर बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए जो अच्छे मार्क्स के साथ में स्कूल टॉप किया है उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहां पर सब हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी सभी भोजन ले रहे हैं साथ में मेरे योगी रविंद्रनाथ जी मेरठ से। मैं रविंद्रनाथ जोगी गंगानगर मेरठ। डीलर साहब, मैं अपने समाज के युवाओं से यही काम करना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि उपाध्याय शब्द में हमारा भला होने वाला नहीं है, इसलिए बेइज्जत ना होके इज्जत के साथ। मैंने तो अपने आप को चेंज कर लिया, अब आप भी चेंज कर लो, क्योंकि इस जोगी समाज को जो भी आज तक पालती है, ठगती आई है, सिर्फ वोट लेती है, ध्यान इसका कोई नहीं देती। इसलिए मैं सबसे ये आह्वान करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब भी संभल जाओ, टाइम है, वक्त है, संभल जाओ। अगर अब नहीं संभले तो फिर कभी नहीं संभलोगे, क्योंकि 2019 का चुनाव आने वाला है। हम पूरे यूपी में हम इसका बहिष्कार करेंगे और पूरे इंडिया लेवल पर जहाँ भी जो भी हमें कुछ भी करना पड़े हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। और हमें वोट का बहिष्कार करना है, सरकार को अपनी आवाज़ सुनानी है तो संघर्ष करना होगा, एक होना होगा और घर से युवा शक्ति को भी निकालना होगा। मेरे समाज के सभी बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी मूल को पहचाने। भिक्षावृत्ति हम नहीं करते थे, हम तो देते थे। लोग कहते थे भिक्षाम दे कि तेरे अंदर जो कुछ है गलत बात वो मुझे दे और मेरे से ज्ञान ले। हम तो उस साधु संतों की संतान है। हमारे जो भी जितने हमारे अंदर गोत्र पाए जाते हैं कोई गोत्र भी नीचा नहीं है। मेरा गोत्र राजपूत मोढ़ाल गोत्र है, मैं राजपूत था, मेरे बड़े राजपूत थे, तभी तो मैं जोगी बना। योगी आदित्यनाथ को लोग कहते हैं कि वो हमारा नहीं है, मैं कहता हूँ वो हमारा है। जोगी बनना आसान है, छोड़ के नहीं जा सकता इसको आदमी। 7 साल लगते हैं दीक्षा लेने के अंदर। अगर दीक्षा लेकर के कोई जोगी बना तो सबका स्वागत है यहाँ पे, लेकिन जोगी इसे कोई भाग नहीं सकता। उपाध्याय लिख ले, बच्चे की शादी करेगा तो बाद में भेद खोलेंगे, फिर मुँह छिपाता फिरता है। तो इससे अच्छा ये है कि अपने समाज को अपने बारे में जानकारी दे और एकता बनाए। 2019 के चुनाव में हम इसके वोट का बहिष्कार करेंगे, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। जो हमारी सुनेगा हम उसके साथ हैं, वरना हम किसी के साथ नहीं। तथास्तु कहना अभी भी आता है, फिर अगर कोई ऐसी बात होगी तो फिर करेंगे, मामला हटना पीछे है। ओम शिव गोरक्ष, आदेश आदेश। मैं योगी राजेंद्र कुमार मेरठ से। आज हम रविंद्रपुर गांव में आए हुए हैं, यहाँ पे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया हमने और इस गांव के लोगों से मिलकर हमने जाना कि इस गांव में संगठन शक्ति कितनी मजबूत है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग साप्ताहिक मीटिंग करते हैं और समाज के सभी युवाओं को इकट्ठा करते हैं, सबकी परेशानी पूछते हैं, सबके दुख दर्द को पूछते हैं, तो विचार विमर्श करते हैं समाज को आगे ले जाने के लिए। छात्र छात्राओं का शिक्षा कैसे अच्छी दे सकते हैं, भाई कोई बीमार है तो उसे कैसे सहायता दे सकते हैं, इतनी सारी बातें यहाँ पता लगी। उन्होंने पास के गांव वालों को भी साथ में जोड़ लिया है और यहाँ के नवयुवाओं से पता लगा जब शाम को मीटिंग होती है साप्ताहिक, सभी काम छोड़ के पहले 2 घंटे पहले आ जाते हैं और कम से कम यहाँ पे मेरे हिसाब से 150 घर बताए गए हैं और 450 करीब होते हैं और सारे एकजुट होकर एक जगह बैठते हैं। इस समाज से, जो भी समाज से जो हैदरपुर का है, इससे हमें सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि आज हमारा समाज कई उपनामों में बढ़ चुका है। हम लोगों को एक ही छत के नीचे, एक नाम के नीचे, जो कि समाज के बैनर के नीचे आना है और इस गांव से हम सीख ले सकते हैं। आदेश आदेश। मैं योगी आशु, मैं चाहता हूं कि कोई भी अपने नाम के पीछे उपाध्याय, निर्वाल या ऐसा कुछ ना लगाए, अपने नाम के आगे या पीछे योगी, जोगी या नाथ लगाए, क्योंकि हमें सभी को एक साथ लाना है। जोगी लगाओ, योगी लगाओ, कुछ भी लगाओ, हम चाहते हैं कि पूरे देश में जितने भी योगी, जोगी, नाथ हैं सब एक साथ मिलके एक साथ अपना समर्थन दें। अगर अलग अलग बट जाओगे तो कैसे एक साथ चलोगे। मैं चाहता हूँ, हमने एक संस्था बनाई है अपने यहाँ पे कि पास के जितने भी गाँव हैं वहाँ से हमारे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं और सभी को मोटिवेट करते हैं एक साथ रहने के लिए, एक साथ जुट होने के लिए। और ये जो बगरा से सामली, मुजफ्फरनगर टू सामली रोड है, इस पर हम कावड़ के दौरान भोलों की सेवा करते हैं और हमारा बस एक ही संकल्प है कि सभी जोगी, योगी या नाथ, ये सब एक हैं, एक बन के रहो और एक साथ रहो। धन्यवाद।